तो हे गाइज, एक न्यू ग्लिच निकल के आई है जिसकी मदद से हम लोग को मिल रहा है कोबरा बंडल बिल्कुल फ्री में। तो कौन सा ग्लिच है सब कुछ तुम्हारा भाई तुम लोग को इस वीडियो में बताएगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो पे भी है 1000 डायमंड का किप पे, वो भी 5 बंदे को। कुछ नहीं करना आपको, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी UID दे देनी है, बस हो गया गाइज आप किप में पार्टिसिपेट। खैर ना गाइज, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग का जो न्यू अपडेट आने वाला है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा तुम्हारा रैंक सिस्टम का बहुत बड़ा चेंजेस। अब मेरे को पता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हारा भाई है ना किस काम के लिए, तुम्हारा भाई तुम लोग को समझाता है। जैसे ये न्यू अपडेट आ जाएगा गाइस, उसके बाद तुम लोग जब रैंक खेलोगे मतलब फुल मैप या फिर क्लैश स्क्वाड अगर रैंक खेलोगे ना आप, तो अगर आपके स्क्वाड में 4 बंदे से कम है, मतलब अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो और 4 बंदे से कम है, जैसे 3 बंदे हैं और मान लो एक का रैंक है Diamond 2, एक का रैंक है हीरोइक और एक का रैंक है ब्रोंज, तो ऐसे में आपका मैच मेकिंग स्टार्ट नहीं होगा। अगर एक बंदा भी कम है और रैंक कम है तो आपका मैच मेकिंग स्टार्ट नहीं होगा। आपको मैच मेकिंग स्टार्ट करने के लिए सेम रैंक वाले बंदे चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे Diamond 4 हीरोइक चल सकता है लेकिन ज़्यादा कम नहीं। जैसे डायमंड का बंदा है और प्लेटिनियम के बंदे के साथ खेल रहा तो फिर स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग कमेंट में बताना जो ये अपडेट अच्छा है या फिर बुरा। मेरे हिसाब से अगर आप लोग मेरी सुनो तो मेरे को अच्छा ही लगा, क्योंकि गाइज आपको पता है ना बहुत बंदे होते हैं ब्रोंज वाले हैकर को लेकर खेलते हैं और इससे मैच मेकिंग में हैकर आ जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम। और गाइस ये फुल मैप के लिए भी अप्लाई होगा और तुम्हारा क्लैश स्क्वाड के लिए भी अप्लाई होगा। और सबसे खास बात क्या है जानते हो, अब ग्रैंड मास्टर वाले बंदे की लॉबी में ग्रैंड मास्टर वाले बंदे ही आएंगे, नहीं तो मैच मेकिंग ये स्टार्ट नहीं होगा। तो समझ रहे हो गाइस, मतलब ये काफ़ी ओपी हो जाता है। आप फुल मैप भी फेयर तरीके से पुश कर सकते हो, प्लस गाइस तुम्हारा क्लैश स्क्वाड रैंक भी फेयर तरीके से पुश कर सकते हो। ये गरीना ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में को बताना। नेक्स्ट बात करें गाइज, तो नेक्स्ट तुमको पता है ना गाइज तुम्हारा ईवो गन का तो चल ही रहा है, मतलब बहुत सारे ईवो गन आते जाते रहते हैं, लेकिन गाइज आप लोग यहाँ पे देखो आप लोग को देखने को मिलेगा ईवो स्कार, मतलब नया स्कार। ईवो तुम्हारा अल्फा स्कार है, मतलब गाइज बेसिकली कहने का मतलब ये है जो तुम्हारा ईवो स्कार तो एक बार पहले आ चुका है, अब नया स्कार आ रहा है, मतलब नया ईवो स्कार आ रहा है। मतलब गाइज ड्रैको AK तुम्हारा आ चुका है, अब नया AK भी आएगा, मतलब एक गन के दो दो ईवो गन, तीन तीन ईवो गन ऐसे अब रिटर्न में गरीना देगी। तो ये कहीं ना कहीं गाइज बहुत गलत बात है भाई, आप लीजेंडरी गन भी दे रहे हो, ईवो गन भी दे रहे हो और उसमें भी आप रिटर्न में दिए जा रहे हो, और रिटर्न में देने चलो रिटर्न में दे रहे हो चलो अच्छा है, अब उसमें आप एक और उसमें ऐड कर दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। ये तो गेम पूरा इनबैलेंस हो जाएगा। बंदों ने स्कारर ईवो स्कार फुल किया, मैक्स किया, अब नया गन आया उसका अलग एट्रीब्यूट, उसका अच्छा एट्रीब्यूट, उसको जाग के फिर मैक्स करो, ये अलग मतलब ये एक तरीके का गाइस तुम स्कैम बोल सकते हो, गरीना का पैसे कमाने का है गाइस। अब क्या कर सकते हैं गाइस इसका, मतलब एक गन आ गया उसके मैं ईवो लगा दो, दो तीन ईवो मेरे को आप लिख के ले लो, मतलब इस साल के एंड तक ना आप देखना है सबसे अच्छा ईवो गन कौन सा है। चलो ईवो AK का ले लेते हैं, सबसे सबके पास होगा। अब ईवो AK का दो ईवो AK स्किन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मतलब एक और ईवो का AK का स्किन आएगा, आप लोग लिख के ले लो गाइस। मतलब सारे गन का ऐसा हो जाएगा ना नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक 5-5, 6-6 ईवो गन के स्किन होंगे, मतलब एक ही गन के 5-6 ईवो गन होंगे। तो ये कहीं ना कहीं गाइस गरीना की बहुत 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 गलत बात है गाइस, गरीना को ऐसा नहीं करना चाहिए। बात करें अपडेट के बारे में, तो अपडेट के बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोग को अच्छे से पूरा, मतलब गाइस बस अपडेट वाली वीडियो रहेगी, उसमें मैं आप लोग को छोटी से लेके बड़ी अपडेट के बारे में हर चीज़ तुम्हारा भाई तुम लोग को बता देगा। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, जो अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी कुछ नहीं करना, तुम लोग को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना है। अभी ना गाइज हम लोग बात कर लेते हैं एक कमाल के बारे में, मतलब कमाल की अपडेट के बारे में। तो आप लोग को पता होगा रिसेंटली गरीना ने एक नया रूल लाया गेम में, जिससे ना गाइज वो रूल के हिसाब से हम लोग को ही बेनिफिट है आप लोग को ना, हर एक को, मतलब हर एक 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 मतलब मंथ के स्टार्टिंग का जो एक होता है, मतलब जैसे अभी 1 सितंबर ले लो, 1 अक्टूबर ले लो, 1 नवंबर ले लो, ऐसे आने वाले हैं ना। तो गाइज वो 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब हर मंथ के एक तारीख को तुम्हारा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होता है। तो इस बार गरीना ने क्या किया है, मतलब नेक्स्ट यानी 1 अक्टूबर को आप लोग को डॉक्टर वाला बंडल देखने को मिल सकता है तुम्हारे मैजिक क्यूब स्टोर में। और होगा तो मैं तो सबसे पहले निकाल लूँगा, तुम लोग निकालोगे या फिर नहीं कमेंट में मेरे को जरूर बताना। नेक्स्ट बात करें गाइज तुम्हारा इनक्यूबेटर के बारे में, नेक्स्ट इनक्यूबेटर तुम्हारा कौन सा होने वाला है,
आज तो तुम्हारा बनने वाला इनक्यूबेटर रिटर्न में तुमको देखने को मिल गया, लेकिन नेक्स्ट इनक्यूबेटर तुम्हारा कौन सा होने वाला है? तो गाइज आप लोग यहाँ पे देखो, तुम्हारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है तुम्हारा AN-94 गन का। मतलब बेसिकली ये AN-94 गन का इनक्यूबेटर है, इसमें बेसिकली तुमको कुछ नहीं करना, बस तुमको AN-94 गन की स्किन निकालनी है। मतलब देख रहे हो गरीना कैसे हमें लूटे जा रही। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता गाइज, मेरे को गरीना का स्कैम लगता है। वो तुम लोग समझो या ना समझो, मेरे को तो स्कैम लगता है गरीना का। तो तुम लोग इस सब चोचले में ना पड़ो गाइज, कितने भी इनक्यूबेटर आते जाते रहते हैं, तो तुम लोग इनक्यूबेटर में मेरी बात मानो ना गाइज, इनक्यूबेटर में स्पिन ही मत करो। मतलब कोई भी इनक्यूबेटर आ जाए स्पिन मत करो, क्योंकि अब इनक्यूबेटर में कोई कमेंट में तुम बताना कौन सा ऐसा रेयर इनक्यूबेटर है जिसकी तुम वैल्यू करते हो। अब तो कोई इनक्यूबेटर बची ही नहीं, क्रिमिनल इनक्यूबेटर ये वो। हाँ, क्रिमिनल इनक्यूबेटर से याद आया कि तुम्हारा सारे सर्वर में सारा क्रिमिनल बंडल रिटर्न में आ गया, लेकिन इंडियन सर्वर में रिटर्न में देखने को नहीं मिला क्रिमिनल इनक्यूबेटर। तो उसका क्या सीन है? तो गाइज वो भी गरीना का तुम स्कैम बोल सकते हो, क्योंकि गाइज गरीना कितना बड़ा स्कैमर है भाई, सब जानते हैं। तो गाइज ये इनक्यूबेटर जो है ना, बाकी के चार बंडल तुम्हारा येलो क्रिमिनल हो गया, ब्लू क्रिमिनल हो गया, ये सब तुमको देखने को मिलेगा इसी साल में गाइज, लेकिन तुमको इनक्यूबेटर में देखने को मिलेगा। और उसके अलग तुमको डायमंड देखने को मिलेंगे। मतलब अगर वो रेड क्रिमिनल को रेयर प्राइज करके करते तो बाकी सब जल्दी निकल जाता, लेकिन ये गरीना क्या करेगी, ऐसे कर देगी गाइज। मतलब इनक्यूबेटर में भी ना देखे गाइज, ऐसे कर देगी, एक एक इनक्यूबेटर देगी तुमको। मतलब जैसे अभी एक इनक्यूबेटर, मतलब मैं समझाता हूँ, अच्छे समझो आप। जैसे आप देखो अभी रेड क्रिमिनल रिटर्न में आया, अकेले आया, वैसे ही गाइज आपको येलो क्रिमिनल रिटर्न में देगी अकेले, उसका अलग डायमंड ले लिए गई। फिर आपको देगी गाइज पिंक क्रिमिनल नहीं, ऑरेंज कुछ क्रिमिनल याद नहीं आ रहा मेरे को, तुम्हारा जो ब्लू क्रिमिनल है और एक कौन सा क्रिमिनल है उस कलर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। खैर जो भी कलर का क्रिमिनल है गाइज, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो जो भी दो ये है ना, ये सब अलग अलग इवेंट में एक एक बंडल करके देगी और हमसे डायमंड लूटेगी। मतलब समझ रहे हो, डायमंड लूटेगी यानी पैसे लूटेगी, पैसे बनाएगी गाइज गरीना। तो आप लोग इन सब चोचलों में मत पड़ो, क्रिमिनल इनक्यूबेटर आएगा तो एक क्रिमिनल इनक्यूबेटर निकालने की जरूरत नहीं है। गरीना ने एक अच्छा अपडेट किया है रैंक वाला, वो मैंने आप लोग को बता दिया। खैर ना गाइज, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कोबरा बंडल के ग्लिच के बारे में, वो ग्लिच आपको कैसे यूज करना है, क्या कोबरा बंडल आपको परमानेंट मिल जाएगा उस ग्लिच के बाद, या फिर गरीना वापस ले लेगी, सब कुछ तुम्हारा भाई तुम लोग को बता देता है। तो गाइज आप लोग को पता होगा, ग्लिच हमारे इंडियन सर्वर पर तभी आता है जब इवेंट तुम्हारा इंडोनेशिया सर्वर पे आता है। तो तुम लोग को देखने को मिलेगा 7 सितंबर को इंडोनेशिया सर्वर पे तुम्हारा कोबरा बंडल एक वेब इवेंट में गाइज। और तुमको पता है ना, वेब इवेंट में जो भी इवेंट आते हैं उसका ग्लिच आ जाता है, मतलब वो हम लोग को फ्री में देखने को मिल जाता है इंडियन सर्वर पे। लेकिन गाइज वो फ्री में मिलता है, लेकिन गाइज गरीना हमसे वापस ले लेती है, तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। लेकिन अगर जिन लोग के पास कोबरा बंडल नहीं है, वो 5-6 दिनों के लिए निकाल सकते हैं कोबरा बंडल, रख सकते हैं अपनी आईडी में, तो ग्लिच आएगा तुम्हारा 7 सितंबर को। तो तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना है, जैसे ही ग्लिच आएगा तुम्हारा भाई तुम लोग को सबसे पहले वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देगा गाइज। तुमको बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना है। और हाँ, कुछ डायमंड लग सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है ना ग्लिच यूज करने में डायमंड तो लगते ही है भाई। तो 100-200 डायमंड रखना अपने अकाउंट में। और गाइज जब तुम्हारा कोबरा बंडल गरीना रिटर्न में लेगी ना, तो तुम्हारा डायमंड जो तुम लगाओगे उस इवेंट पे, तो वो तुम्हारा डायमंड तुमको गरीना वापस कर देगी। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ना तुम्हारा आईडी बैन होगा ना कुछ होगा, सब मेरी गारंटी गाइज। अगर तुम लोग यूज करना चाहते हैं तो तुम लोग कमेंट में हाँ लिखना गाइज, मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना के तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। और गाइज मेरे को पता है बैकग्राउंड नॉइज आती होगी वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी, अब क्या कर सकते हैं गाइज, हॉस्टल लाइफ ऐसी ही होती है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।